घर को खूबसूरत बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। इनमें से एक आ जाता है जो कि है फॉल्स सीलिंग। ये जो फॉल्स सीलिंग है, जब हम घर को करते हैं तो हमारा घर दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगता है। साथ में जब इसमें लाइटिंग की जाती है तो लुक एक स्टेप आगे चला जाता है। अब इसी फॉल्स सीलिंग में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि पीओपी फॉल्स सीलिंग, दो पीवीसी फॉल्स सीलिंग, जिप्सम फॉल्स सीलिंग, वुडन फॉल्स सीलिंग, फाइबर ग्लास फॉल्स सीलिंग और मेटल फॉल्स सीलिंग। और इतने सारे सीलिंग के टाइप में से पीओपी की सीलिंग, जिप्सम सीलिंग और पीवीसी सीलिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इन सभी सीलिंग के टाइप में से पीओपी, पीवीसी और जिप्सम, इन तीन टाइप की सीलिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पर आज का ये जो वीडियो है, यहाँ पर हम जिप्सम फॉल्स सीलिंग के रेट के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जो जिप्सम बोर्ड वाली फॉल्स सीलिंग होती है, इन्हें बनाने के लिए आपको टाइम कम लगता है और इसका इस्तेमाल आजकल सबसे ज्यादा किया जाने लगा है। इसी वजह से हम आज के वीडियो में इसकी कॉस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। और वीडियो का जो एंड पार्ट है, वहां पर हम ऐसी एक ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से आप सिर्फ दो स्टेप में आपके घर को फॉल्स सीलिंग करवाने के लिए कितना खर्च आएगा, ये आराम के साथ निकाल सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस जिप्सम फॉल सीलिंग को बनाने का प्रोसीजर सिंपल इस तरह से होता है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपके स्लैब के बॉटम में बनाया जाता है और उसके ऊपर आपके डिजाइन के अनुसार जिप्सम बोर्ड को फिक्स किया जाता है। अब ये जो सीलिंग होती है, इसका खर्च मेनली दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। पहली चीज मटेरियल कॉस्ट और दूसरा होता है लेबर कॉस्ट। अब ये जो मटेरियल है, इसमें भी बेसिकली सबसे ज्यादा खर्च होता है आपके जिप्सम बोर्ड के ऊपर। और उसके बाद में दूसरा खर्च होता है आपके फ्रेमिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि बॉटम पट्टी, इंटर इंटरमीडिएट, फास्टनर, स्क्रू, एंगल पट्टी, फाइबर मेश, इस तरह की चीजें आपको फ्रेमिंग के लिए लग जाती है। अब यहाँ पर आपको जिप्सम बोर्ड से लेके फ्रेमिंग के लिए जो मटेरियल लेना है, वो हमेशा ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी का लेना चाहिए। तो यहाँ पर जिप्सम फॉल सीलिंग का जो मटेरियल कॉस्ट है, वो टोटल फॉल सीलिंग के कॉस्ट में से 56% होता है। यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट है, इसके लिए आपको ₹50 पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। अब इस कॉस्ट को सेपरेटली निकालने के पीछे कारण यही कि कुछ लोग खुद से ही मटेरियल लाके कारागिर को देते हैं और कारागिर उसे फिक्स कर देते हैं, इसी वजह से इस कॉस्ट को सेपरेटली निकाला गया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दूसरा कॉस्ट आ जाता है जो कि है लेबर कॉस्ट, तो उसके लिए आपको 40% से लेके 45% तक खर्च आ सकता है। यानी कि आप ऐसा मान के चल सकते हैं ₹35 स्क्वायर फीट से लेके ₹40 पर स्क्वायर फीट तक आपको लेबर कॉस्ट में खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर हम लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा मटेरियल कॉस्ट आया था ₹50 पर स्क्वायर फीट और लेबर कॉस्ट हमने यहाँ पर अज्यूम किया है ₹40 पर स्क्वायर फीट। तो इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो ₹90 पर स्क्वायर फीट तक आपको जिप्सम फॉल सीलिंग लगवाने के लिए खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर ये जो रेट आया है, इसे हम रूम के एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलिए अगर आपका रूम है जिसका की साइज है 10x10 का, तो आपको जिप्सम फॉल सीलिंग करवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर हमें उस रूम का स्क्वायर फीट पहले तो निकालना पड़ेगा, यानी कि 10 × 10 = आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। और हमारा जिप्सम फॉल सीलिंग का पर स्क्वायर फीट का रेट है ₹90, तो हमें 100 से 90 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 × 90 = आ जाता है ₹9,000। यानी कि अगर आपकी 10x10 की रूम है तो आपको ₹9,000 तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपका एक हॉल है जिसका की साइज है 15 × 15 फीट। तो यहाँ पर आपको उस हॉल का पहले तो स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा, यानी कि 15 × 15 = आ जाता है 225 स्क्वायर फीट। तो ये जो स्क्वायर फीट आया है, इसे हमें ₹90 पर स्क्वायर फीट के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 225 × 90 = आ जाता है ₹20,250। यानी कि अगर आपका 15x15 का हॉल है तो वहां पर आपको जिप्सम फॉल सीलिंग करवाने के लिए ₹20,250 तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर ये जो रेट है, आपके एरिया अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकता है। पर यहाँ पर और एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ आपके रूम के डायमेंशन डालने हैं। अगर आपका रूम का साइज 10x12 है तो यहाँ पर आपको पहले ब्रैकेट में 10 डालना है और दूसरे ब्रैकेट में 12 डालना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको जिप्सम फॉल सीलिंग करने के लिए कितना खर्च आएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप 2023 में अपने घर को जिप्सम फॉल सीलिंग कराने वाले हो तो आपको लगभग ₹90 पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। तो आप अपने घर के लिए कौन सी फॉल सीलिंग करवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।